सचिन को बचाने आई उसकी साहेली। साहेली के रंग में रंग रहा है सचिन। स्टॉपर्स के सीरियल उड़ने की आशा में सचिन सलाखों के पीछे है। ऐसे में साइली चुप कैसे बैठती, वो पहुंच गई है थाने अपने पति को छुड़वाने। और ऊपर से सिफारिश आने के बाद सचिन को छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन तभी साइली उसकी हालत देखती है और उसके दिल में दर्द उठ जाता है। साइली को पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें किसने की है, सुधाकर की वजह से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है उसे फंसाया गया है। बट उसे बाहर निकालने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने सिफारिश करवाई होती है रिया के किसी पहचान वाले से, जो कोई बड़े अफसर होते हैं। और उसी कारण सचिन को बेल मिलती है, पर उसे उसी की गाड़ी वापस नहीं मिलती, बिकॉज पुलिस को एक एग्रेशन था कि थप्पड़ का तो मतलब बदला नहीं चुकाया, तो इसका ही हम उस वे से निकालेंगे। तो उसी बीच हम जब भी जेल से बाहर निकलते हैं, तो मैं रिया को थैंक्स बोलने का सोचती हूँ, और आकाश जो है वो अपने हॉस्टल के लिए वापस निकल जाता है कि ही इज़ गोइंग बैक टू द प्लेस वेर ही वॉज स्टार्टिंग। एंड सचिन जो है वो बहुत ही टच्ड हो जाता है कि साइली को इतना केयर है, इतनी फिक्र है सचिन के लिए। तो आई थिंक समवेयर नाउ सचिन इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग, जो मैं पहले कहा था कि उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट आई थिंक नाउ ही इज़ धीरे धीरे गेटिंग सॉफ्टर फॉर साइली, कि शी केयर्स अ लॉट एंड शी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। सो दैट इज़ द होल थिंग। साइली की परवाह ने सचिन को ये एहसास दिला दिया है कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। फिलहाल तो सचिन को जेल से छुटकारा मिल गया है, लेकिन जाने से पहले सचिन अपनी बात वहाँ पर रख कर जा रहा है। हमारे ऑफिसर पे हाथ उठाया, उसके लिए माफी मांगते हैं। तुमको भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, ऐसे आम आदमी पे हाथ भी इतनी खोलना चाहिए ना, फालतू में बजाया मेरे दोस्त ने, इसने मेरा हाथ छू गया। क्या ना साहब, मैं मानता है कि अगर आम आदमी के लिए रूल है ना, तो वही रूल तुम पे भी अप्लाई होते, बरोबर ना? रूल सबके लिए सेम है। ये किसी बिना वजह किसी तकलीफ हुई है, उसे सजा जरूर मिले, मैं रिपोर्ट करूंगा उसकी। फिलहाल तो सचिन बाइज्जत बरी हो गया है, लेकिन उसके घर में शुरू हो गया है तमाशा। असल में सचिन की कार अब भी हिरासत में है, ऐसे में अपनी कार को छुड़ाने के लिए लाने होंगे उसे पैसे, जिसके चलते सचिन के बाबा घर गिरवी रखने की बात करते हैं। बस फिर क्या, रेणु शुरू कर देती है तमाशा। ये घर भी तो है हमारे पास, और है ही क्या? ये मेरे पापा ने मुझे दिया था, इसकी दीवारों पे दाग नहीं सह सकती मैं। घर गिरवी रखने की बात कर रहे हो तुम? नहीं, कभी नहीं। तू बिना मतलब का राई का पहाड़ बना रही। जहाँ पैसों की बात होती है, रेणु का राजी नहीं होती है, वो सिर्फ तेजस और आकाश के बारे में सोचती है हर टाइम। सचिन का जो भी कुछ माजरा होता है, तो उसको तो सचिन उसका चहिता है ही नहीं, और साइली तो बिल्कुल ही नहीं, शी हेट्स साइली। तो अभी तो अच्छा खासा कैसे तैसे पैसे जोड़े थे उसने तेजस की शादी के खर्चे के लिए, लेकिन फिर भी ये पैसे देने पड़े। सचिन का जो हुआ कांड, उसके साथ जो पुलिस वाले ने किया, गाड़ी उसकी गाड़ी का हो गया, जो उसके लिए देने पड़ रहे, तो वो तो बहुत ही उसकी वो चिढ़ गई है, और उसकी वो इरिटेट हो गई है कि ये भी पैसे गए। तो ये बात चल रही है फिलहाल। भाई, घर बचाने के चक्कर में रेणुका को वो सारे पैसे देने पड़े हैं जो उसे आज ही ने दिए थे तेजस की शादी के लिए। ऐसे में रेणुका न सिर्फ सचिन को टशन दिखा रही है, बल्कि साइली को भी घूर घूर के देख रही है। खैर, अब देखना होगा कि रेणु इस चीज का बदला कैसे लेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो करें आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटी।